लोग पंजाब से निकल रहे हैं, साउथ पंजाब से बहुत बड़े काफले आगे आ रहे हैं, वेस्ट पंजाब में गिरफ्तारियों के बावजूद हर शहर से लोग निकले हैं, रुकावटें हटाते जा रहे हैं। नॉर्थ में अगर आप देखें तो बहुत सी जगहों पे पुलिस ने ज्यादती की कोशिश की, मगर उसके बावजूद ये जो पुरमन क्राउड है ये निकला है और अपना आईनी हक एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल पंजाब के बेशतर शहरों में से लोग निकल रहे हैं छोटी छोटी चोलियों में, कहीं बड़े बड़े क्राउड्स हैं, यहां पे रुकावटें हैं, वो उसको दूर कर रहे हैं। इंतजार मत कीजिएगा, किसी मसीहा ने आके आपको यहां से नहीं निकालना, आपके लिए आपके कायद का पैगाम है। आज का दिन अहम है, ये जो आपके भाई निकल चुके हैं इनको आपकी हेल्प की जरूरत है, और वो हेल्प क्या है कि आप भी निकलें, बगैर किसी खौफ के निकलें, बगैर किसी डर के निकलें, रुकावटें हटाते हुए पुरमन तरीके से इस आईनी राइट को एक्सरसाइज करें। आपकी जरूरत है पाकिस्तान को, आपकी जरूरत है तहरीके इंसाफ की इस तहरीक को, आपकी जरूरत है हर उस बच्चे को जिसका मुस्तकबिल इस पाकिस्तान से वाबस्ता है, जिसके मुस्तकबिल की खातिर इमरान खान साहब आज भी जेल में है और कुर्बानी दे रहे हैं। आज का दिन अगर रह गया, आज अगर आप इस तहरीक में शामिल न हुए तो हमेशा हाथ मलते रह जाएंगे, बाद में अफसोस करेंगे। तो प्लीज पुरमन तरीके से निकलें, इस पुरमन आईनी एहतजाज को कामयाब करें, हर शहर से निकलें, हर गली से निकलें, अपने एमएनएस के एमपीएस के काफलों को ज्वाइन करें। एमएनएस और एमपीएस के काफले अगर निकल चुके हैं तो आप खुद निकल जाएं। अगर आपको कोई जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खुद इकट्ठे हो और इन काफलों में शामिल हो। इस्लामाबाद आपका इंतजार कर रहा है, कायद की कॉल जो है वो आपकी मुंतजर है, आप सबसे इस्लामाबाद में मुलाकात होगी।